कितनी मज़ेदार और मीठी बातचीत थी। और वो भी क्यों ना भाई, बात जब कथक की और पंडित जी की हो रही थी। भाई अब अगर कथक की हम बात करें, जो एक अपने आप में स्टोरी टेलिंग की डांस फॉर्म है, तो हम ये तो ज़रूर मानते हैं दैट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग and it establishes how old and entertaining is the art of storytelling. Now, as per a traditional definition, storytelling is the process of using facts and narrative to communicate something to your audiences. Some stories are factful, some are embellished or improvised in order to better explain the core messages. Now, let us look at this art of storytelling from a different perspective, from the perspective of the Indian cinema. And that's exactly what our next conversation is titled as. Let's talk about storytelling in Indian cinema. And we have with us Mr. Rakeysh Omprakash Mehra, a well-renowned filmmaker and scriptwriter of Indian films. He's the director as well as the writer of the hit movies Rang De Basanti, Aks and Bhag Milka Bhag. He has won multiple awards including the coveted Filmfare Award for Best Director and the Zee Cine Award for Best Director. In conversation with her, we have Miss Aditi Awasthi, who heads the entertainment section at Zee News. Enjoy this session coming your way. तो हमारे साथ हैं राकेश ओमप्रकाश मेहरा, मैं हूँ अदिति अवस्थी। अर्थ में हर कोई जो हमारे साथ जुड़ा है, उनका स्वागत है इस सेशन में। और स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं, तो राकेश जी से बेहतर मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने स्टोरीज जो बताई हैं वो हर समाज के तबके को टच की हैं किसी ना किसी लेवल पर, और साथ ही बहुत एंटरटेन भी किया है। राकेश जी, वैसे तो हर इंसान एक कहानी है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प हो जाती हैं कि वो एक स्क्रिप्ट का फॉर्म लेती हैं, उन पर फिल्में बनती हैं, और फिर वो कहानियां जब लाखों करोड़ों लोग देखते हैं तो उनको जो है वो एंटरटेनिंग कहानियां कहा जाता है। जब आप कहानी की बात सोचते हैं इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव में, तो आप स्टोरी टेलिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है जी का। अर्थ मतलब व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया एंड वेयर डू वी, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया यूनिवर्सली, आई वांट इवन से ग्लोबली, एंड क्या हमारी धरोहर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। आई थिंक इन सबको मिला के ही आइडिया निकलता है, ना कि सिर्फ हम ऐसे थे और हम कैसे हैं। दैट इज द रियल आइडिया ऑफ इंडिया, आई थिंक। हाँ, उसमें वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम पास्ट अचीवमेंट्स एंड द पास्ट मिस्टेक्स, सो वी डोंट रिपीट दैम। स्टोरी टेलिंग की बात आई तो स्टोरी टेलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। जब ट्रैवलर्स इधर से उधर आते थे और शाम को सब लोग एक आग जला के उसमें आलू भून के खाते थे, और तो बताते थे, अरे मैं सेंट्रल एशिया से आया हूँ, हमारे वहाँ जो ऊँट होते हैं ना, उनका डबल हम्प होता है। वो क्या होता है भैया? उनमें ना दो दो बैक होती हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो बना के शायद दिखा देता होगा। तो यहाँ वाला बोलता था, हमारे पास एक ऐसा बहुत बड़ा एक जानवर है, उसको हम हाथी बोलते हैं, उसके ऐसे दो दो दांत होते हैं। अब जिन्होंने हाथी नहीं देखा उनके लिए तो बड़ी अजूबा की बात है। तो अफ्रीका वाला बोलता था, हमारे यहाँ एक ऐसा जानवर है जिसकी जो गर्दन है ना, वही 5-6 फीट लंबी होती है, और वो ऊंची ऊंची टहनियों से, और वेजिटेरियन है, उसको हम जिराफ बोलते हैं। तो कहानियां तो चलती आई हैं शुरू से। If we see the etchings on the caves, ancient caves, there were storytellers there also. It moved on, it got an expression of folk theatre, folk songs, till cinematique was invented. Then there was photography, there was writing, there were novels, And then it progressed on to moving pictures, first silent films, then spoken films. So, मेरा मानना यही रहा है कि yes, filmmaking is a tool of storytelling. And what is storytelling? Through storytelling, you have to say something. The land you come from, the issues that are burning inside you, what is the churning going inside you, that has to come out. And cinema is very dynamic in that form, in the modern day form. And it's ever-changing as such, as a storytelling tool. Quickly, if I not go very back and I go to the independence of India, इससे पहले हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 40 के दशक में। एक बहुत प्यारा गाना था, दूर हटो ये दुनिया वालों, भारत देश हमारा है। और वो देश का बच्चा बच्चा गाता था। उस टाइम कोई सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी, टूटे फूटे रेडियो होते थे, उनके भी वेव्स बहुत लिमिटेड थी, बट फिर भी वो पता नहीं कैसे गाना फैल गया और वो एक एंथम बन गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो युग था, हर किसी के दिल में ये था कि हमें आज़ादी मिले, तो सिनेमा ने वो रिफ्लेक्ट किया। चलो 47 में आज़ादी भी मिल गई, बट जहाँ करोड़ों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहाँ वहीं करोड़ों पार्टीशन को भुगत भी रहे थे। एक देश से दो देश बन गए, 2 से 3 71 में जाके, बट बन तो गए। अब वतन और देश में बहुत फर्क होता है। वतन इज वेयर द लैंड यू बिलोंग टू, एंड द कंट्री इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री एज recognized, you know, by the world forums and what you protect and what you defend. वतन बड़ा शब्द है उसमें। So then नया नया देश आज़ाद हुआ, सबकी आंखों में उम्मीदें थी, और हम एक नए सिरे से शुरू हो रहे थे। इतनी पुरानी कल्चर, इतना पुराना सभ्यता, एज इफ इट वाज न्यूली बॉर्न इन 47। सो आप देखेंगे सिनेमा ने वो भी रिफ्लेक्ट किया, ये देश। राकेश जी, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं, ट्रैवलर्स से जब हमने शुरू किया स्टोरी टेलिंग की आर्ट, अगर हम ट्रैवलर्स ने अपनी कहानियां बताई, अगर हम अपने देश की बात करें तो ये देश कथा वाचन का भी देश रहा है, जहां कथाएं सुनाई जाती थी। ये देश पपेट शोज का भी देश रहा है, और उसके बाद ग्रेजुअल जो एक ट्रांजिशन है वो मूवीज की तरफ गया। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा के शुरुआती दौर की साइलेंट मूवीज से शुरू करें, 1913 से अगर हिंदी सिनेमा की हम शुरुआत मानते हैं, तो लगभग 108 साल हिंदी सिनेमा इस देश को और दुनिया को अपना जो बॉडी ऑफ वर्क है वो देता रहा है। एक ऐसे फिल्म मेकर होने के नाते जिसने हमेशा ही न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी बातों में भी, अपनी कॉन्वर्सेशंस में भी ये माना है कि स्टोरी इज द किंग, कंटेंट इज द किंग फॉर एनी मूवी और एनी प्रोडक्ट टू डू वेरी वेल। राकेश ओम प्रकाश मेहरा पिछले 100 साल का, आई नो इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, लेकिन अगर उस पर एक सरसरी निगाह मारते हुए आगे बढ़ते हैं तो कितना बदलता देखते हैं फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का फॉर्म जो है, एवरी स्टोरी हैज अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, वो कभी नहीं बदलेगा। अब नाक को आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पहले एंड दिखा दो फिर बिगिनिंग दिखा दो, वो दैट इज द अंदाजे बयान। यस यस यस, बट जो आप बयां कर रहे हो वो वही है, द कोर इज द सेम। तो मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब आज़ादी मिली तो हमारे, आप उसके गाने देखे तो साथी हाथ बढ़ाना रे, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। तो वी वर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस, बट देन केम द अर्ली 60s, late 50s, the Maharashtra drought, the Bengal famine, the drubbing by Chinese in the 62 war, losing the first prime minister whom everybody we looked for, and the country felt like an orphan, and we lost Chacha Nehru. And then there was widespread एक किस्म की darkness थी, सब देवदास बनना चाहते थे, सब दाढ़ी बढ़ा के, they wanted to lose in life, not fight in life. Yeah. Joblessness. There was so much going on. A lot of frustration. Yes. Was there? So what did we do with that frustration? We didn't face it. In fact, we escaped it. And the hero started dancing. The Shami Kapoor was the first hero who danced. And Shami ji अपना अंदाज लेके आया. अगर आप देखें उससे पहले के जितने हीरो हैं, वो कभी नाचते नहीं थे. देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार नाचे नहीं. हाँ, बैसाखी का गाना कुछ, होली का कुछ हो रहा है तो थोड़ा ठुमक ली, बट इट वॉज नॉट लाइक अ कोरियोग्राफ्ड कि ऐसा ही. दैट एस्केपिज्म केम बिकॉज हम लाइफ से एस्केप करना चाहते थे. एक बेचारा जी, आप मानते हैं कि हीरो का डांस करना जब हमने सिल्वर स्क्रीन पर देखा तो वो एक फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म था? 100%, और वो आज तक चल रहा है. हीरो आज दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दैट यू आर पुटिंग हियर. या, एंड देन देयर वाज डिसल्यूशनमेंट. एंड हीरो जो हमारे स्कूल टीचर होते थे, पुलिस इंस्पेक्टर होते थे, वी यूज्ड टू लुक अप टू. देयर वाज गुड एंड इविल, ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. हमें पता चला ऐसा होता नहीं है. इवन विद द फीमेल प्रोटैगनिस्ट, देयर यूज्ड टू बी द सो कॉल्ड आर्केटाइपल आइडिया ऑफ अ वुमन, what a man thought, not what a woman thought. True that. True. और एक मतलब मर्द की नजरों से हमने औरत को देखा है. और एक बहुत प्यारी लाइन है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया. तो दिस वाज वी सॉ, एंड वी डिवाइडेड द वुमन प्रोटैगनिस्ट इनटू दिस सती, सावित्री और द वैम्प. हमने उन दोनों को अलग कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया हमने. वो तो सेम ही थी तो औरत ही ना, as such. So that took some time, another 20-30 years for the woman to come out of the closet and say nahi, mera bhi apna astitv hai, main wo nahi hu jo aap dekhna cha rahe ho, ya jo meri definition hai, main mere khud ka kuch hai, wajood hai. Anyway, going back 70s 80s, there was disillusionment in the society. We were a closed economy. There was a cold war going on between America and Russia. Yes. We were caught in between. The altercation Pakistan kept going on. So we had a film like Hakikat, which reflected the drubbing by the Chinese. We have to face it. We lost that war and we lost it badly. And there was no heroism in winning that war, or no pathos in losing that war. War was a problem in itself. It could not have solved the problems. तो साहिर का एक शेर है कि जंग क्या हल करेगा मसलों को, जंग तो खुद एक मसला है. और फिर जो एक्सप्रेशन उभरे वो ये थे कि जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला. You know, jala do ye duniya. So the hero started escaping, not facing, and we gave birth to an anti-hero for the first time who went against the system. So us dashak ka Amitabh Bachchan took on the system, and we started. इसी conversation में जब हम अगर actor से या star से जोड़कर story telling को आगे ले जाएं, तो आप राजेश खन्ना के दौर से होते हुए अमिताभ बच्चन के दौर को आने को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आप इसे भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एस्केपिज्म से फाइट, एंटी हीरो की फाइट का ही डिफरेंस राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन? क्या आप मानते हैं? हाँ, नहीं, दैट अर्लियर पीरियड आई वाज सेइंग, वेदर इट वाज शमी जी और राजेश खन्ना, और देयर वर सम वेरी लवली फिल्म्स मेड देयर. देयर वर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स आल्सो मेड लाइक सुजाता, बंदी, दो बीघा जमीन जो हमें शीशा दिखा रही थी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. राज कपूर वाज ट्राइंग टू टेल सोशल स्टोरीज वेरी एंटरटेनिंगली, लाइक श्री 420 एंड आवारा. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग शो. बिमल रॉय, वी शांताराम का जो काम है वो कमाल का था उस जमाने में. तो वो हमारी फाउंडेशन है ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग, ऑफ आवर सिनेमा. Then came late 80s, early 90s, and the economy opened up. Yes. Education opened up. The sectors opened up. We first time embraced the world to say, आओ यहाँ पे आओ और हमें भी अपना हिस्सा बनाओ. Otherwise, we were caught in a dark corner. जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर आया, उसके बाद के सिनेमा की अब आप बात कर रहे हैं. जी. उसी समय and the then Prime Minister went to the United Nations, Rajiv Gandhi, and said, I have a dream. And there was a dream there. There was a dream of the new India and the young India. So the cinema changed. The cinema reflected the dream. We had films like Lagan, which took on the system. But it felt very good that you're taking on a global superpower like the empire. Which is euphoria hota hai. वो euphoria feel किया आपने उसके जरिए. Yes. And there were films, expression of the youth like Dil Chahta Hai. There were films like Rang De Basanti, which talked against corruption, and more importantly, it talked to the young generation ki if you want to change the country, you have to be the part of the change. You can't sit on the fence. और उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी, अंग्रेजी किताब में, that there are two primary choices in life. One is to accept the conditions the way they are, and one is to accept the responsibility of changing them. जिसका हमने हिंदी में अनुवाद किया और लिखा कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है या तो जो हो रहा है वो होने दो, बैठे रहो, या फिर जिम्मेवारी उठाओ उसे बदलने की. Now that was the crux of. आप जब ये रंग दे बसंती की बात कर रहे हैं तो रंग दे बसंती इसलिए नहीं कि आप उस फिल्म का एक अहम हिस्सा थे, वो रंग दे बसंती वॉज योर बेबी, इस वजह से नहीं. रंग दे बसंती हर लिहाज से स्टोरी टेलिंग के मास्टरपीसेस में से एक है. और उसकी वजह एक जो राकेश जी, मैं अक्सर जब उस फिल्म के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि इस फिल्म में जिस तरीके से राकेश ओम प्रकाश मेहता ने प्रेजेंट को पास्ट में पिरोया है, वो स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जिसमें कई बार फिल्म मेकर्स फेल भी होते हैं. कई बार फिल्म मेकर्स अपनी बात आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं और भगत सिंह की बात करते हुए आप कॉलेज कैंपस में आते हैं. आपने एक येस्टर ईयर को जब प्रेजेंट से जोड़ा, स्टोरी टेलिंग का वो फॉर्मेट कितना ज्यादा मुश्किल है सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना, आप एक बार हमारे साथ वो शेयर करें और फिर हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. कहानी तो मैं आर्म रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया पे बनाना चाह रहा था, 1919 to 1933, starting from Kartar Singh Saraba and the armed revolution by Ram Prasad Bismil and Ashrafullah Khan, then Chandrasekhar Azad being the bridge to Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Durga Bhabhi, Jatin and other hundreds and millions of youngsters of India. वो कहानी पे 2 साल रिसर्च किया, सब कुछ किया. कमलेश पांडे जी ने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा और मैंने बोला चलो एक बार इसको लेट मी थ्रो इट एट द यंगस्टर्स इन बॉम्बे. तो मैंने उनको कहानी ऐसी पढ़ के सुनाई एंड नोबडी रिलेटेड टू दैट स्टोरी ऑफ भगत सिंह एंड राजगुरु एंड सुखदेव. ओके. फॉर देम दे वर फोक हीरोज एंड मैंने कहा ये बॉम्बे के यंगस्टर्स बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, दिल्ली चलते. दिल्ली में जाके क्या तो 2 मिनट में बोर हो गए. सब मैंने कॉलेज से बुलाए थे, खासा कॉलेज, श्री राम, हिंदू, रामजस के सारे लड़के लड़के आए थे, उनको पढ़ के सुनाई तो वो तो 2 मिनट में बोर हो गए. वो कहते हैं इरेलेवेंट है आज के जमाने में. भगत सिंह मैक्सिमम होता तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता, ये होता तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या पेट्रियाटिज्म करें. एंड दे वर ऑल थिंकिंग ऑफ स्टडिंग, गोइंग टू अमेरिका. उनके हाथ नहीं मैले करने थे. सो आई फेल्ट कि यार हमने भी यही किया था कॉलेज के जमाने में, खड़े होके किया था कि वो नहीं काम कर रहा, ये नहीं हो रहा, बिजली नहीं हो रही, सड़क में गड्ढे होते हैं, पानी नहीं आता, वो दे डोंट डू दिस, दे डोंट डू दैट, दे डोंट डू दिस. व्हाट हैव आई डन फॉर माय कंट्री? व्हाट वाज आई, वेयर वाज आई इन दैट? व्हेन वी सॉ द स्पीच ऑफ आई हैव अ ड्रीम फॉर आवर जनरेशन, इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट. And I said, okay, now I am blessed to be on the chair of a director Let me turn this around. And if the people are not identifying with the idea of patriotism and the idea of India, let me start the story with them. Yes. And let them in the story play the characters of 1990 to 1930, जिनकी average age 23 and a half years थी, 23.5 साल के लड़के थे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हंसते हंसते सब फांसी पे चढ़े थे देश के लिए, because they believed in something. भगत सिंह का belief बहुत clear था कि वो his fight was not against the Britishers. उसकी फाइट थी एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर शोषित होना या शोषण करना, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन ह्यूमन बीइंग ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग. उनकी भविष्यवाणी थी कि फायदा क्या है, हम आज अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, कल हम अपने गुलाम हो जाएंगे. एंड एवरीथिंग केम थ्रू. ही बिलीव्ड इन वेरी वेरी क्लियरली keeping your beliefs and your political beliefs separate, keeping your religious belief and political beliefs separate. And he professed that. And that's why he's such an iconic guy. Aaj 100 saal baad bhi hum unhi ki baat kar rahe hain, unpe filmein banti hain, baatein hoti hain. So that ideology was very, it struck me somewhere. You know, that running a country is a very tough job. It's not an easy job. Hum bade aasani se सबको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने पॉलिटिशियंस को, अपनी ब्यूरोक्रेसी को. इट्स नॉट इजी. हाँ, हर एक बास्केट में आप अगर एक बाग में जाते हैं और एक टोकरी में आप सारे फल एक से बुरे टमाटर तोड़ के डालते जाते हैं, तो नीचे वाले टमाटर कुछ दब जाते हैं, कुछ जगह होते हैं, बट मैक्सिमम जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े पौष्टिक होते हैं. ऐसा नहीं है, ये देश ऐसे ही नहीं चल रहा और नहीं चलता आया, नहीं चलता रहेगा. सो आई थिंक द टाइम्स रिफ्लेक्ट द स्टोरी. द स्टोरीज एट टाइम्स ऑल्सो आप थोड़ी आगे देखती है समय से, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद. एंड दे ऑल्सो प्रिडिक्ट द टाइम बिकॉज स्टोरी टेलर्स आर वेरी सेंसिटिव पीपल. राकेश जी, जब आप ये बात करते हैं कि कुछ फिल्में, कुछ कहानियां वक्त से आगे होती हैं, बहुत सारे हमने ऐसे, अगर राज कपूर कहें कि मेरा नाम जोकर वक्त से आगे की कहानी थी, तो मैं उस लीग कहना तो कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन वक्त से आगे की कहानी मैं दिल्ली 6 को भी मानती. आज जब भी दिल्ली 6 एक बहुत ही, दिल्ली 6 बहुत ही रेलेवेंट फिल्म आज के समय में लगती है, जो उस समय शायद ऑडियंस उतना नहीं समझ पाए. हम नहीं, ऐसा नहीं है, ऑडियंस समझ पाए, जिनको समझना था समझने वाले समझ गए. तो ऐसा नहीं होता कि उस टाइम लोग नहीं समझे. आज हम अगर दिल्ली 6 की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली 6 एक ऐसा बच्चा था मेरा जो did not grow immediately. It takes its time in growing, and I'm very happy कि it was shown in BBC Channel 4. Yes. And it was the highest rating of any Indian film. We got a rating of 84, which was very high. The music still is legendary. One of my favorites, yes. No, Aditi, the fact is, among the first 10 selling albums in India, Delhi 6 is one of them. And which is a huge accomplishment. It's poetry in motion, Rakesh ji. आप जब दिल्ली 6 के गाने, आप उसका picturization देखें, आप it's poetry in motion. Coming to another question जो हमारे पास audience से आया है, कि biopics की हम जब बात करते हैं, तो आप इस पर भी बात करने के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट फिल्म मेकर हैं, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वॉइस हैं आप. बायोपिक्स के साथ अक्सर क्या होता है राकेश जी, एक तो अगर वो व्यक्ति है तो वो उसको जज करेगा, एक बड़ा तबका है जिसने उसके काम को देखा है तो वो उसे जज करेगा. तो सिनेमैटिक लिबर्टी स्टोरी टेलिंग में कितना उसकी मात्रा रहती है और रियलिटी कितनी रहती है, कैसे बैलेंस स्ट्राइक करते हैं? नहीं, इट्स नॉट अबाउट. Obviously, when you are making a biopic on a true personality and a living legend or a legend gone past, you cannot go away from the core of that person. जी जी. what was the meaning of his life. अगर आप उस कोर को रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपके दिल के अंदर से रिस्पेक्ट आनी चाहिए, वो cannot be a research respect. वो अगर आप उस आइडिया को रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर बाकी सब था ही है। थोड़ा बहुत फिक्शन तो डालना ही पड़ता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग है, थोड़ा आप जितना डालें आप वो तो हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ तो the idea of storytelling in a feature film is उसमें एक्टर एंड एक्ट्रेसेस भी हैं, राइटर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, डांसर्स भी हैं, डायलॉग राइटर्स भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर भी है, उसके अलावा साउंड वाले हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्शन है, जो कपड़े आपके करते हैं वो, ये सब मिलके आके एक कहानी बोलती है ये। और एवरी डिपार्टमेंट इज मेकिंग दैट वन स्टोरी, इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी. So there are many kinds of cinema. We should not compare apples and oranges. दोनों अच्छे हैं, एप्पल अपनी जगह अच्छा है, ऑरेंज अपनी जगह अच्छा है, जब जिसका स्वाद जुबान को अच्छा लगे उस वक्त अच्छा है. राकेश, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बातचीत के कहा कि फिल्में, और ये अक्सर कहा जाता है कि समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा होता है कहीं ना कहीं वो स्टोरीज को में रिफ्लेक्ट करता है और उन पर फिल्में बनती हैं. अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक बड़ा सेक्शन है जिसको लगता है कि द ऑडियंस नाउ इज बोल्ड इनफ एंड मैच्योर इनफ टू हैंडल अ लॉट ऑफ, एंड आई कोट, बोल्ड कंटेंट, एंड एक बड़ा सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है जिसको लगता है कि हम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्सट्रीमली बोल्ड, बॉर्डरिंग ऑन स्लीज टाइप का कंटेंट दिखाकर. राकेश ओमप्रकाश मेहरा ओटीटी सेंसरशिप को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे हमें वी शुड नॉट कंफ्यूज द ऑडियंस अबाउट व्हाट इज बोल्ड एंड स्लीज, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. To be fearless is to be bold, you know, and to be sleazy is something else. So there are two different discussions. India as a land, या मैं भारतवर्ष बोलूं क्योंकि भारतवर्ष is much older than the India. Yes, yes, absolutely. It's a very bold place. If you read the Mahabharata, it is a very, very bold story. If you see the choices people are making in Mahabharata, it addresses woman. It's around the woman. As such, she is the cause of Mahabharata. It has God in it. It has human beings in it. It has expression in it, and it's handled it beautifully. It addresses the problem of the caste system. The main protagonist of Mahabharata are weaved in such a way that it is a comment on the caste system also, which has been plaguing us for the longest time. The whole control by the Brahminical tabka of society over the rest of the people. It tries to address that beautifully. So we have Kamasutra in our country, which is so bold but not sleazy. Now, Rakesh ji, क्या आप मानते हैं कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म मिला बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उन्होंने बोल्ड टॉपिक्स पर बात करने की आड़ में स्लीज परोसनी शुरू की? मैं किसी के काम पे क्यों जजमेंट करूं? मेरे से अपना ही काम नहीं होता तो औरों के काम को देख के उनके बारे में बोलना is not but my as point. A filmmaker, perhaps I can reframe the question as no, I got your question very loud and clear. I think we made films like Arth, Satya and Dhrokal, yes, Do Bilga Zameen, and those are very, very bold expressions. Yes, absolutely sir. We made Delhi Station, Rang De Basanti. They were very bold expressions. So there is nothing in this country which stops you from expression, and as such, so there is nothing like that. I think OTT, when you talk about that, it's another distribution channel at best. OTT is not fighting the theaters. OTT बोलने वाले अपनी बात बोल के निकल जाते हैं, अंदाजे बयां उनका होता है, वो अलग बात है, you know. तो वो है, तो हर चीज, आई डोंट थिंक OTT is just a mechanism of distribution which is beautiful, because now your work can travel to 240 territories worldwide, over 195 countries in 86 million households. Indian expression ko, the idea of India, the Indian storytelling ko, भले वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, बंगाली हो, उड़िया हो, गुजराती हो या फिर भोजपुरी हो. These are the cinemas which come to my mind at yes. the top of my mind. They can now be expressed all over the world. And आप world में अपनी कहानियाँ कब कैसे बताएंगे? When you tell Indian stories to the world. And Indian stories to the world is not about हम सिर्फ अपनी past की बात करते हैं, हम अपने present की बात करें. We show the world हम उन our face, which is a true face, not necessarily always a beautiful face. That is perception. We don't want to create a, with all the pockmarks and the wounds we have. And that is when you will share your stories to the world. And I think the more Indian you get, the more global you will become as such. So it's not like, and बात रही censorship की, आपने उसको छेड़ा था. तो कुछ साल पहले एक सेंसर की कमेटी रची गई थी जो अरुण जेटली साहब ने, ही वाज INB मिनिस्टर देन, एंड ही कॉल्ड अस ऑल एंड ही कॉल्ड मी इन द रूम एंड ही सेड कि क्या है ये सेंसरशिप, बताओ जरा क्या होता है. यानी कि आप सेंसर की कैंची को लीजिए और ये बॉम्बे का जो समुंदर है उसमें कहीं दूर फेंक दीजिए. Because what we need is a rating system. Rating system, yes, yes. जो 12 साल का बच्चा कंज्यूम कर सकता है, वो 18 साल से बड़े जो एडल्ट्स हैं और यंग एडल्ट्स हैं, वो कंटेंट अलग है, वो उनकी चॉइस है कंज्यूम करने की. और जो 12 से 14 के बीच में हैं या 14 से 16 के बीच में हैं, so there is parental guidance, there is restrictions. आप रेटिंग दीजिए, आप सेंसर ना कीजिए, आप एक्सप्रेशन को कर्व ना कीजिए. और जो मिसयूज करता है, दैट शुड बी पनिशमेंट. नाउ इन व्हाट यू आर सेइंग, आई एम कमिंग बैक टू दैट, उस सबको गोल घुमा के एक्सप्रेशन को लेके आप स्लीव्स दिखाने लगे, अब आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे, आप आइटम पे आइटम डालते गए. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी इज हिडन स्लीव्स आल्सो ना, देयर डिस्गाइज्ड स्लीव्स. And how you, मतलब your idea of romance कि आप लड़की को stalk करते रहिए वो romance हो जाता है. That is not the idea of romance. Your idea of romance is not कि मतलब of a good girl is not कि वो पहले western कपड़े पहनती थी अब Indian पहनने लगी. That is not what it is. I think it's so all very deep down. We live in a beautiful country, absolute beautiful country. Our country is blessed. No other country in the world, that much I can say with a limited arrogance, is blessed with the Himalayas and the Indian Ocean, is blessed with the deserts, you know, and the Sundarbans. And the people of this country are amazing. They're simple. They're very, very simple. All they want is to live life simply and live happily. And they are very hardworking people. So I don't think we need censorship. What we need is a rating system and a healthy rating. और जो उसको abuse करे उस system को, उसको बोला हाँ तुम भी बनाओ, आपकी फिल्म को हम XXX दे रहे हैं rating. हाँ. XXX rating का उस शहर में एक सिनेमा होना चाहिए, तो वो financially जिसको license दिया हुआ है, एंड वो अपने आप कमर्शियली अनवाइबल हो जाएगा. राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आपको कमर्शियली अनवाइबल करते हैं ना मामले को. और क्योंकि आज के जमाने में विद सो मच ऑफ इंटरनेट एंड यूट्यूब एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाट इज स्लीव्स एंड व्हाट इज नॉट स्लीव्स. इट हैज एक्सप्लोडेड. यू कैन नॉट फाइट दैट. यू हैव टू फेस इट एंड अंडरस्टैंड हाउ डू वी स्टे अहेड ऑफ दिस. Because if you keep fighting it, आप वो एक vicious circle है, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, उसमें कोई हल निकलने वाला है नहीं. राकेश जी, हम अपनी कॉन्वर्सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि 2021 में एज स्टोरी टेलर इन फॉर्म ऑफ अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कि कौन सी कहानियां हैं जिन्हें छू पाने में हम अभी भी बहुत कामयाब नहीं रहे हैं? किस तरह की कहानियां, अगर कभी आप सोचते हैं फिल्मों के बारे में कि दीज आर टॉपिक्स दैट हैव स्टिल नॉट बीन टच्ड अपॉन एज मच एज दे शुड हैव बीन टच्ड अपॉन? So many. मतलब आवाज चली गई है राकेश जी। नहीं, I'm saying there are so many stories. कितनी कहानियां हैं? Can you hear me now? Yeah. Can you hear me? Yeah. आपको अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। हाँ, कितनी कहानियां हैं, हजारों लाखों कहानियां हैं टू बी टोल्ड। आप अपने चारों तरफ देखें तो कहानियां ही बिखरी हुई हैं, कहानियां ही कहानियां हैं। There are stories of India doing so well in yes. in the space circuit, you know, in science, India doing so well in terms of managing a democracy, and it's very complicated democracy to manage. So very diverse and very complicated. Yes. Yeah, there are some heroic stories of some you know, young guns, young politicians and young bureaucrats who run this country. At the same time, there are stories of empowerment of people. There are stories of conflict. There are stories of pain. You know, if you see what happened in Hathras, that's a story to be told to the world. हमको दिखाना पड़ेगा अपना अगली फेस, अपने आप को। जब तक हम वो दिखाएंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे आएगा? इफ वी कीप ब्रशिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट, इट विल कीप माउंटिंग एंड एक दिन वो धूम से विस्फोट हो जाएगा, बिल्कुल ज्वालामुखी फटेगा। हाँ, एक्सप्रेशन हैज टू बी इज वो कहते हैं ना, वो शायर की लाइन है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा है बाजार में आ निकला है, कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, सौ शक्ल बदल सकता है। तो ये वी कैनॉट, we should have the youngsters express themselves. They might be lost, we have to show them the larger meaning. बड़प्पन उसमें आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। इंडियन सिनेमा में स्टोरी टेलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आपसे बात करके मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कहानियां कहना और कहानियां सुनना हमारा शौक है, और आप क्योंकि फिल्म मेकर हैं तो आपकी कहानियां ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सुनी जाती हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी दिमाग में इतने सारे आपको आइडियाज आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है बहुत सारी स्टोरीज दिमाग में पक रही हैं, आने वाले समय में हम उनमें से कम कुछ को फिल्मों के जरिए देखेंगे और आप इसी तरीके से हमारे साथ बतौर फिल्म मेकर जुड़ते रहेंगे। Thank you so much for being part of Arth. Thank you so much, sir.